आदमी पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया। इस सभा में शिक्षा नीतिया अतिशी मार्लिना उपस्थित थी। कार्यकर्ताओं का उत्साह और जज्बा देखकर लगा कि जल्द महाराष्ट्र में भी राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होगी। नागपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में आम आदमी पार्टी नगर निगम के माध्यम से नागपुर में इसी दिल्ली मॉडल को लाने की तैयारी कर रहे थे। आगामी नगर निकाय चुनाव में दिल्ली मॉडल को लोगों को देने के लिए सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लोगों को 18 जून को 15,000 लीटर शुद्ध पानी मुफ्त में देने की पहली गारंटी दी है। आज हम दूसरी गारंटी दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आमूलचूल बदलाव कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने की व्यवस्था की है। सरकारी स्कूलों को शिक्षा का बजट 22% बढ़ाकर निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर गुणवत्तापूर्ण बनाया गया है। इसलिए पिछले साल 4,00,000 छात्रों ने निजी स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। दिल्ली के स्कूलों के नतीजे सबसे अच्छे आने लगे हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों ने IIT एम्स में एडमिशन लेना भी शुरू कर दिया है। स्कूलों की इमारतों और सुविधाओं का कायाकल्प, स्मार्ट बोर्ड, खेल के मैदान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एक अच्छी गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम को लागू करेंगे, माता पिता बैठक शुरू करेंगे और माता पिता को आत्मविश्वास देकर उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। लोगों से अपील करूंगा और लोगों का सहयोग लूंगा, निःशुल्क ट्यूशन कक्षाएं शुरू करेंगे, ऐसी अपील आम आदमी पार्टी ने की है। इस मौके पर कई सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। आज आम आदमी पार्टी का यह सम्मेलन जो हुआ है, आज आतिशी मैम जो कि हमारे शिक्षा नीति जो है, शिक्षा नीति की एक अमूल्य हम ये कह सकते हैं सिपाही जो है, उनके द्वारा आज आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नागपुर के हैं उन्हें उनकी बात सुनने को मिली, उनकी वाणी सुनने को मिली। आतिशी जी का जो पूरा बैकग्राउंड रहा है 2012 से जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ तब से वो निरंतर लगी हुई हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। उनका पूरा योगदान रहा, दिल्ली रहे, उसके अलावा महाराष्ट्र रहे, पूरे देश के अंदर में अलग अलग स्थानों में पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते थे उनका भ्रमण वो करती थी और पार्टी को जो जोश एक उत्साह देने का कार्य उनके द्वारा हुआ, साथ ही साथ में जो शिक्षा नीति के लिए उनका जो पूरे दुनिया में नाम जाना जाता है, अभी कुछ ही समय पहले यूनाइटेड नेशंस ने उन्हें आमंत्रित किया था दिल्ली की शिक्षा नीति पे अपनी बातचीत रखने के लिए। देखिए, हमारी जो दिल्ली से MLA हैं कालका जी से, आतिशी जी, वो नागपुर आई हुई हैं, तो ये कार्यकर्ता मेड़ावा था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया चुनावी रणनीति, क्योंकि अभी हम 2022 का जो मनपा इलेक्शन है वो लड़ने जा रहे हैं, और किस तरह कार्यकर्ताओं में बिल्कुल जोश आया उनकी बातें सुन के, और यही है कि हमारे को बहुत काम करना है और हमारे लोग बहुत काम कर भी रहे हैं, तभी आप देख सकते हैं कि आज इतने सारे लोग आए थे आम आदमी पार्टी के और संगठन मजबूत आगे बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।